समाजवादी आंदोलन को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया, जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी वो स्थगित नहीं निरस्त हो। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार आपस में ही लड़ रही है, भाजपा सरकार अस्थिर है और सत्ता की लड़ाई में जनता परेशान है। भाजपा सरकार शिक्षकों का उत्पीड़न कर रही है। राजधानी लखनऊ में मकानों को गिराने का फैसला टाल दिया गया है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार कमजोर हो गई है। वहीं अखिलेश यादव ने आगे क्या कुछ कहा, देखे वीडियो में। जो संविधान बचाने के लिए जो आह्वान किया था, पीडीए की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए लगातार इन्होंने और इनके साथियों ने हमें जमीन पर मदद करने का काम किया है। जो इनका संघर्ष रहा, इनका सहयोग रहा, उसका परिणाम ये हुआ है कि मोहनलालगंज लोकसभा आपकी पार्टी बहुत ऐतिहासिक वोटों से जीत करके गई है। न केवल इनके साथियों का सहयोग हमें लखनऊ, मोहनलालगंज, आसपास के क्षेत्र मिला है, बल्कि बाराबंकी और आसपास के क्षेत्रों में भी इनके सहयोगी साथियों ने बहुत ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई को मजबूत करने का काम किया है। मैं इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इनके साथी सहयोगी और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के समाजवादी आंदोलन को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, यह फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो यह फैसला निरस्त हो तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है, ये फैसला हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी वो स्थगित नहीं निरस्त हो। और हम सावधान करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हों कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कितनी दलाली हो रही है। मैं एक बार फिर विजय बहादुर जी, उनका और उनके सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।